स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 रितु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। Find the distance covered by the train. हमें क्या कहा गया है कि कोई ट्रेन है एंड वो ट्रेवल कर रही है। मान लेते हैं उसकी स्पीड x है और ये जो डिस्टेंस उसे ट्रेवल करनी है वो y डिस्टेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि कोई भी ट्रेन अगर एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए उसका जो टाइमिंग है वो हमेशा फिक्स होती है कि डिपार्चर इतने टाइम पर होगा एंड अराइवल इतने टाइम पर होगा। तो इस टाइमिंग को हम कहते हैं शेड्यूल्ड टाइम। ओके, दैट मींस वो जो फिक्स टाइम एवरेज लिया गया है उसका, उसे कहते हैं हम शेड्यूल्ड टाइम। तो यहाँ पर उस शेड्यूल्ड टाइम पर ही वर्क करना है। ओके, जो शेड्यूल्ड टाइमिंग है वो स्पीड बढ़ने से वो टाइमिंग घट रही है और स्पीड के घटने से टाइमिंग बढ़ रही है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि शेड्यूल्ड टाइम एक्चुअली क्या था। तो हमने यहाँ पर स्पीड और डिस्टेंस मान लिए हैं, तो इनकी हेल्प से हम शेड्यूल्ड टाइम को भी इस फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। कैसे? लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल्स टू y किलोमीटर। ओके, सो द शेड्यूल्ड टाइम इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इतने आवर्स यहां पर हम मानेंगे कि ये शेड्यूल्ड टाइम है। दैट मींस यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वाई अपॉन एक्स। अब यहां पर फर्स्ट कंडीशन क्रिएट हुई है। ओके, फर्स्ट कंडीशन में कहा कि जो उसकी स्पीड है उसको बढ़ा दी जाए। ओके, द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 कर दी जाए किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस तो अभी भी सेम ही है। ओके, तो ये है वाई किलोमीटर। अब यहां पर टाइम कितना हो जाएगा, यानी कि टाइम जो ट्रेन लेगी वो हो जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस 10। तो ये जो न्यू टाइम हुआ, ओके, तो y अपॉन x प्लस 10 और जो शेड्यूल्ड टाइम था y अपॉन x, इन दोनों में रिलेशन दिया गया है कि ये जो नया टाइम लग रहा है ये पुराने जो एक्चुअल टाइम लगना चाहिए था उससे 2 घंटे कम है। यानी कि ट्रेन जल्दी ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई है, 2 घंटे कम लगे हैं। ओके, सो इक्वेशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से y अपॉन x प्लस 10 ये जो टाइमिंग है ये y अपॉन x से 2 घंटे कम है। ओके, अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक लगाना होगा हमें। तो y अपॉन x प्लस 10 है माइनस y अपॉन x, इसको हम इधर ले आते हैं तो सामने बच गया माइनस 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हुआ x प्लस 10 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू माइनस 2। सो y एंड यहाँ पर LCM लेंगे, x प्लस 10 इंटू x एंड यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 10। ओके, सो माइनस 2। सो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस 10 y इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू, यहाँ पर हो गया x square plus 10x, okay? So y equals to, अगर इस minus से minus cancel and यहाँ पर line, यहाँ पर आ जाएगा 5, so 5y equals to x square plus 10x, so y की value आई x square plus 10x upon 5, okay? So हमने यहाँ पर बहुत ही simple calculation की है। actually हम यहाँ पर इस y को अलग ही रखकर चल रहे हैं ताकि यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमें y की वैल्यू मिल गई। ओके, अब हम इस y की वैल्यू को जो हमारी सेकंड कंडीशन में सेकंड इक्वेशन तैयार होगी उसमें हम वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने
में इस y को कॉमन रखते हुए एंड सिर्फ x के टर्म्स को सॉल्व करते हुए चले हैं एंड हमें ये y की वैल्यू मिल गई। अब हम सेकंड कंडीशन पर वर्क करेंगे। सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि जब स्पीड कितनी कर दी गई है, माइनस कर दी गई है 10 एंड डिस्टेंस अभी भी कितनी है, y है, तो जो न्यू टाइम लगेगा वो कितना होगा, y अपॉन x माइनस 10 और वो जो न्यू टाइम है वो पुराने टाइम से 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो पुराना जो एक्चुअली शेड्यूल्ड टाइम है वो है y अपॉन x, इसमें 3 घंटे ऐड हो गए, तो ये न्यू इक्वेशन तैयार हुई। अब इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, y अपॉन x माइनस 10 माइनस y अपॉन x इक्वल्स टू 3, सो y एंड 1 अपॉन x माइनस 10 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3, सो y यहाँ पर x माइनस 10 इनटू x, तो यहाँ x यहाँ माइनस, तो x प्लस 10 हो जाएगा, सो 3, सो 10 y अपॉन यहाँ पर आया x स्क्वायर माइनस 10 x इक्वल्स टू 3, तो y कितना आया 3 अपॉन 10 into x square minus 10x, okay? अब हम देखेंगे, एक y की वैल्यू हमें ये मिली है इक्वेशन नंबर 1, एक y की वैल्यू हमें मिली इक्वेशन नंबर 2, तो हम इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, that means ये भी y, तो जो right hand side है वो भी एक दूसरे के equal के रहेंगी, from equation 1 and 2, हमें क्या मिलेगा, 2 x square plus 10x upon 5 equals to 3 by 10 x square minus 10x. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर 2 बन जाएगा, so 2 इधर आ जाएगा, तो 2x square plus 20x and इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x square minus 30x. अब हम इन सबको एक तरफ ले जाएंगे, तो इन सबको भी हम इधर ले आए, तो यहाँ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 50x इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचा माइनस x प्लस 50 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी या तो 0 या फिर x की वैल्यू 50, ओके? तो 0 हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दी ही जाएगी, तभी वो ट्रेवल कर सकती है, तो 0 स्पीड नेग्लिजिबल है, दैट मींस एक्चुअली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, ओके? तो अब इस x की हेल्प से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ओके? y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 10x अपॉन 5, so x की वैल्यू 50, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 प्लस 10 इनटू 50 से आएगा 500 अपॉन 5, दैट मींस 5 6 30, तो 600 किलोमीटर, ओके? सो यहां पर ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 600 किलोमीटर, दिस इज द आंसर, ओके? तो लास्ट में हमें ये सेंटेंस लिखना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल्स टू 600 किलोमीटर, ओके? तो एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमने ट्रेन की स्पीड मानी और ट्रेन की डिस्टेंस को मान लिया जो उसने कवर की है, तो उससे हमने एक शेड्यूल टाइम फाइंड किया है y एंड x की फॉर्म में, जो कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट हमने y एंड x की फॉर्म में एक शेड्यूल टाइम बना लिया, क्योंकि इस टाइम में ही हमें क्वेश्चन में वेरिएशन दिए गए हैं, कभी टाइम ज्यादा हो रहा है, कभी टाइम घट रहा है, ओके? अब ये कहा गया है कि पहली कंडीशन में जो टाइम है वो ये बन जाता है जब इसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है, तो इससे हमें ये इक्वेशन मिली एंड वाई की वैल्यू बना ली हमने। सेकेंड कंडीशन में जब स्पीड को घटा दिया गया तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं शेड्यूल्ड टाइम से, ओके? तो फिर से एक रिलेशन बना, फिर से एक वाई की वैल्यू मिली, उन दोनों को कंपेयर किया तो x की वैल्यू मिली, यहाँ पर 2 वैल्यूज मिली हैं, 0 को कंसीडर नहीं करना है, सो 50 किलोमीटर कंसीडर किया, इसकी हेल्प से y की वैल्यू मिली 600 किलोमीटर,
दैट मीन्स ट्रेन ने 600 किलोमीटर ट्रेवल किया है. ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है. अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.